पौधे की कटाई के फायदे। हाथ से या मशीन द्वारा चारे की कटाई के कई फायदे हैं। विश्वनाथ और नारायण स्वामी ने पाया कि मवेशियों की खुराक बढ़ रही है। वैज्ञानिकों से बातचीत के दौरान उन्होंने सीखा कि चारे की कटाई से उसके पौष्टिक तत्वों का पाचन बढ़ता है, जिससे चारे की बर्बादी कम होती है। साथ ही मवेशी को चबाने में कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। मजेदार बात यह है कि कटे हुए हरे चारे और सूखे चारों को मिला दिया जाए तो वो पशुओं के लिए अति स्वादिष्ट भोजन बन जाता है। अब नारायण स्वामी अपने परिवार के कमाऊ सदस्यों यानी पशुधन को उनका मनपसंद स्वादिष्ट चारा देता है। कटा हुआ चारा गायों को संपूर्ण स्वस्थ बनाता है और ये कई तरह से फायदेमंद है। कटाई से लंबे तने वाले चारे को संभालना और लाना ले जाना आसान हो जाता है। पुआल की पाचन शक्ति बढ़ाने का एक और आसान तरीका है उसमें न्यून तत्वों की संपूर्ति। किसानों को अपने आसपास प्रोटीन के कई स्थानीय स्रोत मिल जाते हैं, जैसे तेल की टिक्की, धान या गेहूं की भूसी, चुन्नी और पेड़ों के पत्ते। अच्छे स्वास्थ्य, उत्तम दूध का उत्पादन और बेहतर प्रजनन क्षमता के लिए वे अपनी गायों को नपी तुली मात्रा में सांकेतिक मिश्रण भी देते हैं। सांकेतिक मिश्रण में आमतौर पर तेल की टिक्की, धाना, भूसी, खनिज पदार्थ और नमक होता है। मोटा चारा अपने आप में पौष्टिक तत्वों से रहित होता है और मवेशियों के रखरखाव के लिए ना काफी है, पर चारे की गुणवत्ता बढ़ाकर पशुओं को बिना किसी संपूरक आहार के भी स्वस्थ रखा जा सकता है। इससे मवेशियों की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। आज नारायण स्वामी और विश्वनाथ अपने मवेशियों को देखकर आत्मसंतुष्टि का अनुभव करते हैं। उनके पास स्वस्थ पशुधन का परिवार है जो उनके घर के सदस्यों के जीवन को नया अर्थ देता है। विश्वनाथ और नारायण स्वामी की संपन्नता का कोई अंत नहीं, क्योंकि वे नई जानकारी से युक्त एक बेहतर कल के लिए सुनहरे क्षितिज की ओर जा रहे हैं।